गाजियाबाद के थाना लिंक रोड और साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान दो लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके कब्जे से अलग अलग घटनाओं से लूटे गए आभूषण बरामद किए गए हैं, जो कि लिंक रोड इंदिरापुरम और कौसाम्बी में लूटे गए थे। इनके पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया है। हालांकि लिंक रोड में हुई मुठभेड़ में अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा अभियुक्त फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने कॉम्बिंग के जरिए भागे हुए दूसरे फरार अभियुक्त थाना साहिबाबाद टीम द्वारा मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया गया है। दरअसल थाना लिंक रोड और स्वैट टीम ट्रांस हिडन जोन पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। तभी पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई तो एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसे बाद में पुलिस गिरफ्तार कर ली और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना लिंक रोड क्षेत्र में ट्रांसिंडल स्वाट टीम एवं थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम को लक्ष्य करके फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ तथा दूसरा मौके का फायदा उठा करके अंधेरे में भागने में सफल रहा। पुलिस टीम ने उसकी तलाश हेतु जगह जगह चेकिंग लगा रखी थी और कम्बिंग की जा रही थी लगातार। उसी क्रम में थाना साहिबाबाद के रेलवे रोड एरिया में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में लिंक रोड में घायल बदमाश ने अपना नाम राजकुमार उर्फ राजू तथा थाना साहिबाबाद एरिया में जो भागा हुआ बदमाश था, जो कि पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, उसका नाम अजय, ये थाना लोनी बॉर्डर के सेवाधाम चौकी क्षेत्र के रहने वाले।